हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो डेली लाइफ में हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते ही हैं, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, या फिर हो गया हमारा एमएस वर्ड, या फिर हो गया एमएस एक्सेल, हम इन सबको यूज़ तो करते हैं, पर हमें इन सब के लिए पैसे देना पड़ते हैं, प्रीमियम करना पड़ता है, लाइसेंस देना पड़ता है, पर हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, गूगल शीट्स को यूज़ करते हैं इसकी जगह। गूगल शीट्स एक ऐसी शीट्स है जहाँ पर आपको पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर हमारा एमएस वर्ड हो गया, इन सब का एक्सेस फ्री में मिल जाता है, जहाँ आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो अपनी साइट पर जाकर। तो आज की इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऐसे मेरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजन, आप देख रहे हैं सजन मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने गूगल में सर्च करना है गूगल शीट्स को। तो हम गूगल शीट्स पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, वो गूगल शीट्स पर यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। मैंने पहले से साइन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अपने आप खुल कर आ गया है। जब आपको साइन इन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर गो टू शीट्स पर क्लिक करना है, या फिर अपने आप शीट्स खुल कर आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये मेन मेन्यू है, यहाँ देखिए ये डॉक्स है मतलब कि ये एमएस वर्ड, ये शीट्स है मतलब कि ये एमएस एक्सेल, ये स्लाइड्स है ये मान लीजिए एमएस पावर पॉइंट, और ये गूगल फॉर्म्स है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया है। और आप गूगल फॉर्म्स बनाना नहीं आते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी आपको कैसे बनाते हैं गूगल फॉर्म, पूरा तरीका बताया है स्टेप बाय स्टेप, आप आकर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिख जाती हैं, या फिर अपने ड्राइव को आप कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं गूगल शीट्स की, जो कि है एकदम सेम लाइक एक्सेल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको टेम्पलेट गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आपको बहुत सारी टेम्पलेट बनी बनाई मिल जाती हैं। और आपको इनमें से कोई भी आपको टेम्पलेट चाहिए, जैसे कि आपको मान लीजिए चाहिए टू डू लिस्ट या फिर एनुअल बजट का आपको एक्सेल बनाना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है और बस आपको अब इसे एडिट करना है और कुछ भी नहीं करना है, सब बना बना है पहले से। आप यहीं से फाइल के ऑप्शन में जाकर यहाँ से अपनी फाइल को चाहें तो न्यू फाइल को ले सकते हो, या फिर फाइल के ऑप्शन में जाकर आप यहीं से कोई फाइल पहले से रखी हो आप उसे ओपन कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, कोई कॉपी बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इतने सारे फॉर्मेट्स में वो भी रीनेम कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रिंट भी कर सकते हो। उसी तरह एडिट का ऑप्शन है, व्यू का है, फॉर्मेट का है, इंसर्ट का भी है, डाटा का है, टूल्स का है, एकदम सेम लाइक है। थोड़े से कम ऑप्शन मिलते हैं, पर इतने ऑप्शन हैं आप पूरा काम अपना कर सकते हो। उसी तरह यहाँ रीडू और अनडू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली आप चाहे तो प्रेजेंट टू मीटिंग पे क्लिक करके आप किसी को मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हो अपने गूगल मीटिंग के द्वारा। उसी तरह यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, आप इसे शेयर कर सकते हो किसी को भी, यहाँ कॉपी लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं हम यहाँ से। और उसी तरह चाहे तो आप एक ब्लैंक लेकर भी खुद की एक बना सकते हैं एक्सेल शीट, यहाँ देखिए एकदम सेम लाइक है ना, इस पर क्लिक करोगे आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो उसी तरह इस पर, उसी तरह आप लिख सकते हो और सेव भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डाटा टूल्स एक्सटेंशन सबको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, और यहाँ पर प्रिंट और फॉर्मेट मिल जाता है, तो आप कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पर जब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने, जो कि है यहाँ देखिए गूगल डॉक्स, जो कि एकदम सेम लाइक है एमएस वर्ड की तरह। एमएस वर्ड में जैसे आप बनाते हो उसी तरह यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ देखिए मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी से, यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी आपको, देखिए चाहे तो आप देखिए एडिट कर सकते हैं। मैं इसको कोर्स में एडिट कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ तो आप कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फाइल एडिट फॉर्मेट, चाहे तो आप इसे मैं इसको देखिए बोल्ड कर देता हूँ, इनसे बोल्ड कर्सिव अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हो आप एडिट में क्लिक करके। व्यू एज अ व्यूअर देख सकते हो आपकी कैसा लग रहा है आपका पेज। उसके बाद शेयर पर आप डायरेक्ट क्लिक करके चाहें तो आप इसे शेयर कर सकते हो कॉपी लिंक कर, या फिर आप यहाँ पर फाइल में जाओगे और यहाँ पर आप जाओगे डाउनलोड पे आकर उसे इतने सारे फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो जिस फॉर्मेट में चाहिए। ये था गूगल डॉक्स हमारे सामने। उसी तरह यहाँ पर इसकी भी टेम्पलेट गैलरी है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। रिज्यूमे अगर आपको बनाना हो तो आप यहाँ पर देखिए कितने सारे रिज्यूम्स आ गए हैं। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता है और बहुत आसान तरीके से, तो मैंने इसको लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में दिया है, मैंने इतने आसान तरीके से पिछली वीडियो में सिखाया कि रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, आप जाकर देख सकते हो, जो कि आपकी जॉब में बहुत हेल्प करेगा। आसान तरीके से 5 मिनट के अंदर बनाया जा सकता है। उसके बाद है हमारे सामने स्लाइड्स का ऑप्शन, जो कि एकदम सेम लाइक है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पर जैसे हम बनाते हैं स्लाइड्स, अब यहाँ पर ब्लैंक लेके कोई आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हो, इधर एड टाइटल कर सकते हो। उसी तरह आप यहाँ पर आपको बगल में साइड में थीम्स दिख जाती हैं, आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप कर्सिव कर सकते हो, इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, थीम्स मिल जाती है जो भी आपको थीम चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ऐसी बन गई, कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह आप नई नई स्लाइड्स वहाँ पर ऐड कर सकते हो, प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे न्यू स्लाइड ऐड हो गई, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो।
तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैं चले को, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए जल्दी से। नहीं तो शेयर पे क्लिक करोगे आप तो शेयर कर सकते हो, आप सेव कर सकते, सेव कर कर आप इस नाम से और कॉपी लिंक पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो आप किसी को भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है आपको पावर पॉइंट यूज़ करने के। और इसी तरह यहाँ पर जितने भी आप आज बनाओगे कल बनाओगे तो आपको रिसेंट प्रेजेंटेशन दिख जाएंगे, ऐसी बाकी सब में भी है कि आपके रिसेंट में जो दिख रहा है तो दिख जाएंगे आपको। देखिए मैंने गूगल शीट्स खोली एक्सेल शीट, तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरे जितने आज मैंने बनाए सब दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से इसे इस पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और ओपन न्यू टैब कर सकते हो, अवेलेबल ऑफलाइन कर सकते हो। और गूगल फॉर्म्स तो मैंने आपको बनाना सिखाया है, ऊपर आइडर में लिंक मिल जाएगा कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। देखिए रीसेंट फॉर्म भी डले हुए हैं, मतलब मैंने बनाना सिखाया, ऊपर आइडर में लिंक मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हो। तो इसी तरह आप इन सबको यूज़ कर सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल बता दिया है, बाकी काम आपका है कि कैसे एडिटिंग करना है सब कुछ करना है वो तो आप उसमें एक्सपर्ट हुई। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर सबको ज्वाइन कर लीजिए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर दिख रहा हुआ स्क्रीन पर। और हमारे सेकंड चैनल यहाँ की ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ मैं डेली ब्लॉग एंड ट्रैवल ब्लॉग डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगर आपको कोई भी चैनल से ज्वाइन करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।